नमस्कार, तो फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अगले आधे घंटे मैं आपको ऐसे 50 से बताऊंगा जहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन कई सारी बड़ी खबरें इस पे भारतीय एयरटेल ने जो देश भर में जो है फ्री वॉइस कॉल के लिए प्रीपेड का ऑफर दिया है, जिस तरह से रिलायंस जियो इस सेगमेंट में हलचल मचा चुकी है, उसके बाद जो है भारतीय एयरटेल की तरफ से इस तरह का ऑफर दिया गया। जी बिजनेस ने सबसे पहले 3 दिन पहले इसी हफ्ते हमने ये बताई थी कि भारतीय एयरटेल इस तरह कोई ऑफर का ऐलान कर सकती है, और शेयर देखिए भारतीय एयरटेल में करीब अभी हल्की सी मजबूती देखने को मिली। प्रीपेड ग्राहकों के लिए बड़ा ऑफर दिया गया है। साथ ही अपने दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से कि जी बिजनेस को नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने लगातार चैनल पर भरोसा जताया, लगातार चैनल को देखा, उसकी वजह से ही जी बिजनेस यह मुकाम पाने में सफल हो चुका है। इसके लिए दर्शकों का बेहद शुक्रिया। नोटबंदी आज से ठीक 1 महीना पहले बंद हुआ था, और पिछले 1 महीने में लगातार जी बिजनेस ने नोटबंदी के मुद्दे पर हर एक तरीके आपको समझाने की कोशिश की। आज सुबह से लगातार नोटबंदी के मुद्दे पे हम आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नोटबंदी का असर किस सेक्टर पे, क्या असर देखने को मिला। तो नोटबंदी जैसे बड़े इशू पे सबसे ज्यादा लोगों ने भरोसा जताया तो वो जी बिजनेस था। यही वजह है कि आपके देखने की वजह से, आपके लगातार अपने दर्शकों की वजह से जी बिजनेस फिर से नंबर 1 चैनल बनता हुआ दिखा है, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल बना है। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस शो टॉप 50 शेयर, जिसमें लगातार आपको हम 50 ऐसे शेयर बताते हैं जिसमें आज के ट्रेड में एक जोरदार हलचल देखने को मिलती है। लेकिन अगले आधे घंटे में किन बड़े मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे? फर्टिलाइजर शो में देखिए आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिली, क्या इन फर्टिलाइजर शो में खरीदारी का मौका? बैंकिंग शो में एक अच्छी रिकवरी कल के गिरावट के बाद, तो क्या बैंकिंग शो में तमाम निगेटिव चीजें डिस्काउंट होने शुरू हो गई है? क्या यहां से बैंकिंग शो में तेजी देखने को मिल सकती है? इस पर बात करेंगे। टाटा ग्रुप शोरों में क्या करना चाहिए आपको, इस स्टॉक्स पे बात करेंगे। साथ ही 1:30 बजे ठीक 1:27 पे जो वाडिया वर्सेस मिस्त्री वर्सेस टाटा जो हलचल चल रही है, जो जिस तरह का झगड़ा चल रहा है, उस पूरे झगड़े को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाटा वर्सेस वाडिया हो चुका है, टाटा वर्सेस मिस्त्री हो चुका है, तो पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे ठीक 1:30 बजे अभी से करीब 1.5 घंटे के बाद। नोट मंडी पे पीसी ज्वेलर्स का मैनेजमेंट होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर देखने को मिला। सन फार्मा पिछले 2-3 दिनों से देखिए स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली बुल वर्सेस बीयर के जरिए, यानी कि तेजी होनी चाहिए या मंदी होनी चाहिए ये आपको बताएंगे, और एक मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें उम्मीद है कि एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन शुरुआत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ कीजिए जहां पे आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिली है। कई सारे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। स्टील शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक जोरदार उछाल देखने को मिला। सेल, टाटा स्टील, कल्याण स्टील जैसे स्टॉक्स है जहां आज के ट्रेंड में एक मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा वीजा स्टील और भूषण स्टील देखिए वहां भी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के जानकार लवलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश, स्टील शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, भरोसा जताएंगे? बिल्कुल मनीष, मेरे ख्याल से अगर आप स्टील शेयर्स के चार्ट देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम है। इन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट का आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया था अर्ली 2016 में, और उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो हमको एक तेजी दिखी है मेंटेन रहेगी स्टील और स्पेशली मेटल स्पेस में। टाटा स्टील ऑफकोर्स मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी पूरे स्पेस में, जिस तरह से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया है 420 के लेवल्स पे, हमने कल भी एक सस्टेन होते हुए देखा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। टाटा स्टील में मेरी बाय की सलाह रहेगी 430 के लेवल पे आ रहा है, यहाँ से मुझे 445 तक का लक्ष्य देखता है। दूसरा एक स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड को इसने एंड करा है स्टॉक ने। हमने इसको हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी ऐड करने के लिए कहा है। इसमें हमारा लक्ष्य ऊपर में 75 है ऑन अ 1 ईयर बेसिस। मगर अब आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरे ख्याल से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आप 59 से 60 के लेवल्स देख सकते हैं। तो स्टील शो में सेल एक ऐसा शेयर होगा जो लवलेस को पसंद, उनको लगता है यहाँ से सबलेल सेल में मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करने की सलाह दे लवलेस। टाटा स्टील को लगता है कि मजबूती दिखा सकता है 4% की मजबूती के साथ, 4.5% की मजबूती दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। अब टाटा स्टील और शेयर पे सेकंड हाफ के लिए भी नजर बना के चल सकते हैं, बाजार में जिस तरह देखने को मिली है संभावना है कि इन दोनों शेयर में भी और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ और स्टॉक्स देखिए, ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए लगातार उसमें खरीदारी का ट्रेंड बना हुआ है। मिंडा कॉर्प आज का सुपर शेयर, एक अच्छी मजबूती। इसके अलावा कुछ और शेयर देखिए, ओमेक्स ऑटो आज का टुडे ट्रेड्स, जो ऑटो से स्टॉक्स में परफॉर्म कर रहे हो कहने के तमाम स्टॉक जी बिजनेस में ही आपको रेकमेंड किए गए थे। मिंडा कॉर्प में करीब 6% की मजबूती, ओमेक्स ऑटो में करीब 4% की मजबूती। जय भारत मारुति लगातार इस शो में इस शेयर के बारे में चर्चा की, कहा गया कि शेयर पर हम नजर बना के चलिए, आज भी देखिए करीब 3.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। हरता सेटिंग बॉस जैसे स्टॉक्स है जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। बॉस को छोड़ दीजिए अगर थोड़ी देर के लिए भी, लवलेस बाकी जो छोटे मझोले ऑटो से स्टॉक्स है इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजी का रुझान लगातार देखने को मिला, और लगातार एक ऐसा सेक्टर है जिस पर शो में हमने चर्चा की है खरीदारी करने की या बिकवाली करने की सलाह दी है। आप कहाँ खरीदारी करने की सलाह देंगे?
पूरा स्पेस एक अट्रैक्टिव स्पेस बना हुआ है। स्पेसिफिकली जब हमने निफ्टी को एक बॉटम आउट होते हुए देखा, 200 पॉइंट की हमने तेजी देखी, ऑफकोर्स जो बाइंग थी स्टॉक्स में वो फिर से लौट कर आएंगे। मेरे ख्याल से अगर आप मिल्डा कॉर्प का चार्ट देखें तो स्टॉक 100 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए अगर आप देखें वीकली चार्ट पे, प्रीवियस कैंडल जो वीकली की थी उसमें एक डोजी पैटर्न है, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रिवर्सल का भी साइन दे रहा है। अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसको भी ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है डेली चार्ट में। मिंडा कॉर्प में मेरी बाय की सलाह रहेगी, 100 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपर में मेरा टारगेट 109 रहेगा, नीचे में स्टॉप लॉस 96 रहेगा। तो सीधे तो मिंडा कॉर्प एक शेयर होगा जिसमें कभी भी मजबूती देखने को मिल सकती है, 96 रुपये के स्टॉप लॉस साथ आप इसमें खरीदारी कीजिए। अभी भी तेजी देखने को मिल सकता है शेयर में। देखिए आज भी एक अच्छी मजबूती, करीब 6% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। आज स्मॉल कैप रडार जो 10:10 पर आता है उसमें खासतौर पर बताई जाती है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, सरकारी बैंकों के शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यानी कि कहीं ना कहीं SBI की सब्सिडी कंपनी में देखिए मजबूती है आज के ट्रेड में। PNB बैंक बड़ौदा में तेजी देखने को मिली है, कैनरा बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक, विजया बैंक, कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों के शेयर में आज बाजार में जो तेजी है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह सरकारी बैंकों का योगदान है। लवलेस, कल हम देख रहे थे पॉलिसी के बाद तेज गिरावट और एक शानदार रिकवरी, इनफैक्ट कल के हाई से भी ऊपर ट्रेड कर रहे शेयर, यानी कि ये ट्रेंड है कि अभी इन शेयर में मजबूती और देखने को मिल सकती है। मुझे एक दो अपने दर्शकों के लिए एक दो छोटे मझोले शेयर बताइए जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, पहला स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बैंकिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस लो था 7921 का जो मेरे ख्याल से जुलाई में लगा था उसको एक ब्रीच कर बाउंस बैक लिया था, जबकि बैंक निफ्टी में हमने जो एक इवेंट डे के दिन एक टॉल कैंडल देखी थी उसको कहीं ना कहीं सस्टेन करा था। कल 1800 का लेवल ऐसा था जहां से हमने एक पुल बैक देखा। इसका सबसे अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा PSU बैंक्स में। बैंक ऑफ इंडिया करंट लेवल्स पे 16 पे आ रहा है, इसका अगर आप टॉल बार देखें उसके 50% रिट्रेसमेंट पे ये खड़ा है। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया में बाय कर चल सकते, इसमें ऊपरी लक्ष्य मेरा 135 से 136 रहेगा, नीचे में स्टॉप लॉस 109 रहेगा। और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है जो मेरी बाइक रडार पर रहेगा, 158 पे आ रहा है ये स्टॉक। मेरे ख्याल से 147-148 पे हमको सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी थी, खैर वो अभी भी हमको एक ऊपरी स्तर पे काफी कुछ स्पेस दिख रहा है इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा में आप बाय की सलाह रहेगी, आप ऊपर में इसमें लक्ष्य 169 से 178। और सीधे लोकसभा चलते हैं, अरुण जेटली बोल रहे हैं, नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार हम देख रहे हैं सुबह से हंगामा हो रहा है संसद में। मैडम, आई बेग टू प्रेजेंट द 9th रिपोर्ट हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल 2/16/17 एज लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 7 इन टुडेज ऑर्डर ऑफ पेपर। थैंक यू। आइटम नंबर 8 मेजर जनरल खंडूरी। मैडम, आई प्रेजेंट 23rd रिपोर्ट। तो नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, राज्यसभा में हमने देखा था सुबह से ही हुआ था, और लगातार विपक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से और विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार की तरफ से कोशिश जारी है कि किसी तरीके से जो है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, कई खबरों की बात की है, अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और आज का जो बताओ मिड डे जैकपॉट शेयर होगा इसमें उम्मीद है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। सुमित इंडस्ट्रीज होगा जिसमें कि लगता है कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, कुछ वजहों की वजह से शेयर को चुना गया है। इस बाजार में जब हमने देखा कि बीते 10-12 दिनों में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला था, एक ऐसा शेयर जो लगातार परफॉर्म कर रहा था, बीते अगर 1.5 महीनों का चार्ट देखे शेयर में तो लगातार शेयर में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला, और 2011 के बाद से शेयर सबसे ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे कौन से ट्रिगर्स है जिसके वजह से शेयर में इस तरह की तेजी देखने को मिली? देखिए इस कंपनी के जो नतीजे थे दूसरी तिमाही के, नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले थे। कंपनी का मुनाफा करीब 4 गुना से ज्यादा, अगर साल दर साल देखेंगे तो 4 गुना से ज्यादा मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, जबकि अगर क्वार्टरली देखेंगे तो मुनाफा जो है 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है, यानी कि प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी का परफॉर्मेंस बेहद शानदार देखने को मिला। अगर ऑपरेटिंग मुनाफे की बात करेंगे तो वहां करीब 90% के आसपास का जंप देखने को मिला। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी में पूरी तरह से टेक्सटाइल सेक्टर जुड़ी कंपनी है और पूरी तरह से टर्नअराउंड स्टोरी जैसे का देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी का मौजूदा कैश EPS देखिए करीब 6 रुपये का, 6.5 रुपये के आसपास का कैश EPS है। सबसे बड़ी बात इस कंपनी का है कि बीते 2 महीने में देखिए प्रमोटर ने इस कंपनी में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, खुले बाजार से उन्होंने करीब 13 लाख शेयर के आसपास खरीदे हैं। मार्केट कैप देखिए कंपनी का केवल 235 करोड़ का, और पिछले पूरे साल का सेल्स देखिए 1235
31 करोड़ के आसपास का, यानी कि वैल्यूएशन वाइज शेयर इस प्राइस पे बेहद सस्ता है। अब तकनीकी तौर पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 2011 के बाद से शेयर सबसे निचले सबसे ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। सितंबर 2016 से यानी कि इस साल देखिए बाजार में गिरावट का ट्रेंड रहा, लेकिन शेयर में लगातार एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है। डेली वीकली मंथली चार्ट पर शेयर बेहद मजबूत, और बीते अगर 8 दिनों में देखेंगे तो शेयर में करीब 44% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, यानी कि संकेत है कि बाजार के गिरावट के बावजूद इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इस शेयर का जो टारगेट निकल का था, शॉर्ट टर्म टारगेट निकल का था, वो करीब 48 के आसपास का था। 39 रुपये का आपको इसमें स्टॉपलॉस लगाना होगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय से शेयर के टारगेट स्टॉपलॉस को रिवाइज करके चल सकते हैं, और उनके सलाह पर आप शेयर में खरीदारी करें। तो कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की, लेकिन आज नोटबंदी के 1 महीने पूरे हो चुके हैं और लगातार जी बिजनेस पर एक बड़ी कवरेज जारी है। हम लगातार बड़े बड़े कॉर्पोरेट से जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना असर देखने को मिला है, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पीसी ज्वेलर्स के MD बलरामगढ़। सर, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा कि 1 महीना बीत चुका है, अब क्या ये, पहले भी आपने कहा था थोड़ा असर देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला जब पिछले दिन आपसे बात हुई है, तो अब कहीं ना कहीं एक हालात सामान्य होते हुए दिख रहा है? जी हाँ, अगर मैं ज्वेलरी सेक्टर की बात करता हूँ तो हालात मुझे लग रहा है कि बहुत सामान्य, बहुत तेजी से हो रहे हैं। फुटफॉल बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी हालात ज्वेलरी सेक्टर में अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे तो फुटफॉल देखने को मिल रहा है। साथ में मुझे लगता है कि इस मंथ के जैसे जैसे मंथ खत्म होगा, हम जो 8 तारीख से पहले जो हमारी सेल्स थी, हम उसको डेफिनेटली हम लोग अचीव करेंगे। निश्चित रूप से तो हालात सुनते हुए देखे सर, पहले हम देखते थे कि ये एक ऐसा सेगमेंट है, इसमें एक अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बहुत ज़्यादा, हम देखते थे कैश में ही ज़्यादातर काम होते थे। पिछले 1 महीने का समय चूँकि बीत चुका है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमने देखा कि बेहतर देखने को मिला, सरकार की तरफ से भी इस मामले में बहुत सारी कार्रवाई की जा रही है इसको बढ़ावा देने के लिए। कितना ज़्यादा आपने देखा है कि पिछले 1 महीने में खासतौर पर कार्ड के जरिए पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, कैश की में पेमेंट में थोड़ी कमी देखने को मिली है? देखिए हाँ बिल्कुल, मैं अगर बोलूंगा कि 80% जो पेमेंट आ रहा है वो कार्ड से और चेक से आ रहा है। पहले भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये हैबिट चेंज करने वाली बात है। पहले जो लोग आते थे वो भी आप रूरल में देखेंगे तो सब टैक्स फ्री इनकम होती थी, बट वो बैंक से कैश विड्रॉ करके बाय करते थे ज्वेलरी, क्योंकि अभी कैश नहीं है अवेलेबल है तो लोग चेक से बाय कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी लोगों की हैबिट चेंज हो रही है, और जिसको रिक्वायरमेंट, क्योंकि शादी का सीजन भी चल रहा है, जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है तो वो। और दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा कि ब्लैक मनी की जहां तक बात है कि हम मानते हैं कि ब्लैक मनी प्योर गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट होती थी, पर ज्वेलरी में क्योंकि एक वैल्यू एडिशन होता है 15-20%, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। हाँ, बाकी जितना जितना ब्लैक मनी बाकी चीजों पे खर्च होता था उतना हो सकता है ज्वेलरी पे भी होता, तो इसलिए इम्पैक्ट इसका ज्वेलरी सेक्टर में कम आता है, ज्वेलरी सेक्टर में कम देखने को मिल रहा है। एक रीजन और भी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि कैश में ही परचेज कर रहा है, कैश में सेल कर रहा है, वो बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ है, जिसका फायदा ऑर्गेनाइज सेक्टर को हमें मिल रहा है। तो हमारे फुटफॉल इंक्रीज हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये कदम बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से सर, एक खबर और भी आती हुई देखिए, हालांकि पीसी ज्वेलर्स प्रोडक्ट थोड़े महंगे बेचता है, 2000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पे जो है ट्रांजेक्शन 2000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन में सरकार की तरफ से जो है कहीं ना कहीं सर्विस टैक्स नहीं लगाने की बात की गई है। अब सरकार हो सकता है इस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ये खबर इनफैक्ट आती हुई दिखी है। सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है, तो क्या ये मान के चले कि तीसरी तिमाही के नतीजे एक बेहतर देखने को मिल सकते हैं? ग्रोथ किस तरह की उम्मीद जता रहे हैं आप? देखिए मैं अभी अगर जो देख रहा हूँ कि जो हम लोग 8 तारीख को जब आया था, हम लोग सोच रहे थे कि हमारा ग्रोथ ये क्वार्टर का बहुत कम होगा, पर मुझे अभी लगता है कि अगर अगर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा तो डी ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो मैं इस क्वार्टर को जो देख रहा हूँ कि लगभग एक तरह से ज़्यादा ग्रोथ देखने को तो नहीं मिलेगी, बट हाँ क्योंकि 15 दिन बिजनेस काफ़ी हार्ड किया था, तो लेकिन उसके बाद बिजनेस अच्छा हो रहा है, तो अभी देखते हैं कि पूरा मंथ बचा हुआ है, तो मेरे को लगता है कि एक जो हम पहले हमें डर था कि ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। शुक्रिया सर जी बिजनेस से बात करने के लिए। आप एक बड़ी खबर आते हुए कि 2000 रुपये तक अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आते हुए आलोक, सरकार की तरफ से वापस से जो है कहीं ना कहीं कुछ राहत देने की कोशिश की गई है? अब बिल्कुल, देखिए सरकार की कोशिश यही है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो भी परचेज हो उसको बढ़ावा मिले और ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करें। अभी तक लोग जो थोड़ा बहुत डरते थे, इस वजह से डरते थे कि उस पर जो सर्विस टैक्स लगता था उसकी वजह से लोग इसको डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन सरकार ने 8 दिसंबर के बाद से जो अनाउंसमेंट करी थी तो
तो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी इस सर्विस टैक्स एक्ट में, तो उसको सरकार ने अमेंड करते हुए ये कहा है कि 2000 रुपए तक का कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन अगर होगा और वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया जाता है तो उस पर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और साथ ही साथ सरकार ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है और वो ये किया है कि गेहूं के इम्पोर्ट में सरकार अभी तक उस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता था, उस ड्यूटी को घटाकर जीरो कर दिया है, यानी कि उस पर अब कोई ड्यूटी नहीं लेगा। तो सरकार एक तरह से देखे तो गेहूं के इम्पोर्ट ड्यूटी को जीरो कर दिया है, और दूसरी तरफ जो 2000 रुपए तक के जो डेबिट क्रेडिट कार्ड से अमाउंट ट्रांजेक्शन होता था उस पर सर्विस टैक्स जीरो कर दिया है, एग्जम्प्ट कर दिया है। शुक्रिया आलोक, तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत देती हुई कि 2000 रुपये तक के आपके ट्रांजैक्शन पे जो है सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, और ये एक बड़ी राहत दी गई खासतौर पर अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो।